यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की। तो प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की बात करें हम, तो क्या होता है प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के अंदर? जैसे कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक वातावरण पाया जाता है। प्रत्येक जीवधारी अपने आसपास विविध प्रकार के जीवधारी यानी कि जैविक अजैविक वातावरण, वायु, प्रकाश, भूमि, जल, ताप आदि से घिरा होता है। ये जैविक व अजैविक कारक ही जीवधारी का विशिष्ट पर्यावरण बनाते हैं। मनुष्य ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया है और उसका अस्तित्व ही प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर रहा है। इसलिए आदि काल से ही मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता आया है। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में प्रकृति के अविवेकपूर्ण दोहन से या अविवेकपूर्ण दोहन की प्रवृत्ति बढ़ गई है मनुष्य की, जिसके दुष्परिणाम हम अनेक प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन, महामारी, भूकंप, सुनामी के रूप में भोग रहे हैं। किंतु प्राचीन भारतीय संस्कृति में झांकने पर विदित होता है कि हमारे वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने प्रकृति को अत्यधिक महत्व दिया है। वन, सूर्य, पृथ्वी, आकाश आदि को देवतुल्य पूजा अर्चना की परंपरा डालकर मनुष्य को उसका महत्व समझाया है। प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य हम देखें, मनुष्य के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उसमें कोई भी बदलाव किए बिना उपयोग करते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार में हम देखें, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है विकास और प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, या फिर वितरण के आधार पर। तो विकास के आधार पर तो वो दो स्तर है हमारे संसाधन क्या होते हैं? वे साधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा हमें पता है, जिनका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, ये वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा। दूसरा है संभाव्य संसाधन, वे वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते, जिनका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं परंतु आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, ये वस्तुएं संभाव्य संसाधन बन सकती हैं। संभाव्य संसाधन का प्रयोग वर्तमान समय में न कर पाने का उदाहरण 20 वर्ष पहले वाली पवन चक्की या समय में हमारे देश में तकनीकी प्रगति हुई है, जिसके कारण हम पवन चक्कियों का प्रयोग आज कर पा रहे हैं। लद्दाख में पाया गया कि यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन है जिसका प्रयोग हम आने वाले समय में कर सकते हैं। दूसरे होते हैं प्राकृतिक संसाधन उद्गम या उत्प्राकृतिक संसाधन। दो भाग, जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि जैव संसाधन है। निर्जीव हैं, जीवित नहीं हैं, ये वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे कि वायु, मृदा, प्रकाश, ये अजैव संसाधन हैं। वितरण के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा गया है। पहला है सर्वव्यापक, जो वस्तुएं सभी जगह पाई जाती हैं तथा जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाती हैं, जैसे कि वायु सर्वव्यापक संसाधन है। फिर स्थानीय संसाधन, जो वस्तुएं कुछ गिने चुने स्थानों पर पाई जाती हैं, स्थानिक संसाधन कहलाती हैं, जैसे कि तावा है, लौह अयस्क है, वो स्थानीय संसाधन है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए हम दो भागों में प्राकृतिक संसाधनों को बांट सकते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, वे वस्तुएं जिनका निर्माण
तथा प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, ये वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित है, अर्थात जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं रहती या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। हमें किसी भी संसाधन का लापरवाही से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार और अधिक प्रयोग से ये जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में हम देखते हैं, मनुष्य अपने जीविका उपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पति एवं पशुओं पर निर्भर था। उस समय जनसंख्या का घनत्व कम था, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी और प्रौद्योगिकी का स्तर नीचे था। उस समय संरक्षण की समस्या नहीं थी। कालांतर में मनुष्य ने संसाधनों के दोहन की प्रौद्योगिकी से जीविका उपार्जी संसाधनों के अतिरिक्त उत्पादन के संसाधनों का भी दोहन करने लगा। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है, साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा इन्हें उपयोग करने की मनुष्य की क्षमता भी बढ़ी है। इस होड़ से यह आशंका उत्पन्न कर दी गई है कि कहीं ये संसाधन शीघ्र समाप्त होकर पूरी मानवता के जीवन पर पड़े। न्याय संगत उपयोग और संरक्षण। प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध, न्याय संगत एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उससे अधिक दिनों तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती हैं। संस्थाओं और संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संपदाओं संसाधनों का योजनाओं का समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोगी संरक्षण है। संरक्षण का अर्थ कदापि यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न कर उसकी रक्षा की जाए, उसके उपयोग में कंजूसी की जाए, उसकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए, बल्कि संरक्षण से हमारा तात्पर्य यह है कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता आ रहा है। खाद्यान्नों एवं अन्य पदार्थों की पूर्ति के लिए, सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए अन्य पदार्थों एवं खनिजों का शोषण किया है, उपयोग किया है। पिछले 2 शताब्दियों में जनसंख्या और औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि तीव्र गति से हुई है। विश्व की जनसंख्या आज से 200 वर्ष पूर्व जहां 2.25 अरब थी, वहां 1.25 अरब पहुंच गई है। हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत कई गुना बढ़ गई है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत एवं विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधन या जो प्राकृतिक संसाधनों के विनाशकारी दोहन से हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन आवश्यक हो गया है। संसाधनों के संरक्षण के क्या उपाय हैं? वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है, जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें देश या प्रदेश की संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधनों की परंपरावलंबी एवं परस्पर प्रभाव उत्पादक होते हैं। अतः एक का कमी हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। हमें इसका प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है, यानी हम आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए नहीं सोच रहे हैं। सीमित परिभाग वाली जैसे कि संपदा है, कोयला और पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करना
एक श्रेयस्कर है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करें संसाधनों के संरक्षण के लिए, और कोयला और पेट्रोलियम के कोई भी अल्टरनेटिव निकाले जाए, कोई भी विकल्प खोजे जाए। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या आ रहे हैं, विद्युत से चलने वाले वाहन आ रहे हैं, और विद्युत कहाँ से उत्पन्न की जाती है, सोलर सेल से। सोलर सेल किस पे काम करता है, सूर्य की ऊर्जा पर। तो इस तरीके से हमें विकल्प खोजने की जरूरत है कोयला और पेट्रोलियम के लिए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन। वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के विकास की क्रिया युगों से चलती आई है और प्राणियों और पौधों की लाखों जातियों की उत्पत्ति हुई है। वन बरसात और उसमें पानी के संरक्षण हेतु अलवणीय जल के स्रोत एवं नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रक होने के साथ साथ जलवायु के लिए वायुमंडल को आर्द्रता की पूर्ति भी करते हैं। वन न केवल जल और वायु के कारणों से होने वाले कटाव से उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करते हैं, यानी अगर हम वन लगाते हैं तो जल और वायु के कारण से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है, बल्कि ये सक्रिय अजैव चट्टानों से उर्वरा मिट्टी की रचना करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्राकृतिक संतुलन को कायम रखने में सहायक। बिना स्वच्छ पर्यावरण संभव नहीं है। भूकंप होने के कारण जगह जगह सूखा पड़ने लगा है। जहां कहीं पानी बरसता है, पेड़ों के अभाव में उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। पेड़ों की कटाई का असर पहाड़ों पर भी होने के कारण पानी बरसने पर वहां से मिट्टी बह करके नदियों में आ जाती है, और फलस्वरूप नदियां इतनी उथली हो गई हैं यहाँ पर फलस्वरूप नदियां यहाँ पर इतनी उथली हो गई हैं कि थोड़ा सा जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ आ जाती है। जंगलों की रक्षा का सवाल आज हमारे लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए जंगलों के विनाश के बावजूद भारत में लगभग 15,000 स्पेसीज के पुष्पीय पौधे एवं इससे दुगनी स्पेसीज शेष सदाबहार वनों की एक विशेषता यह है कि अत्यधिक है। देश के कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु पाए जाते हैं। वनोपज के रूप में इसमें पेड़ जलाऊ लकड़ी व असंख्य प्रकार के उत्पाद जैसे कि बांस, औषधियां, गोंद, रेजिन, रबड़, सुगंधित तेल, तेलबीज और अन्य प्राथमिकता है। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े बतलाते हैं कि हम जंगल कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वनों को काट करके कृषि के लिए भूमि साफ की जाती है। विभिन्न निर्माण कार्य, कारखानों, पशुपालन आदि के लिए विश्व भर में वन काटे जा रहे हैं। आरंभ में जहां पृथ्वी के लगभग 70% भूभाग पर वन थे, वहां आज 16 से 17% भाग पर वनों से आच्छादित है। वन उन्मूलन का एक कारण झूम खेती को भी माना जाता है। इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जला करके राख कर दी जाती है, जिससे वहां की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष जाती है। क्षेत्र में यही विधि अपनाई जाती है। हमारे देश में नागालैंड, त्रिपुरा और आसाम भी अपनाते हैं, जिसे हम झूम खेती कहते हैं। वन उन्मूलन के दौरान मृदा अपरदन, वन्य जीवन का विनाश, जलवायु में परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, प्रदूषण में वृद्धि आदि उल्लेखनीय है। वनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला,
वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई की जानी चाहिए। वन काटने या वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए, यानी जितना वन काट रहे हैं, जितने पेड़ काट रहे हैं, उतने ही पेड़ हमें लगाने चाहिए या उससे दोगुने पेड़ हमें लगाने चाहिए। वृक्षा की जानी चाहिए। इस हेतु निरीक्षण गृह अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़क कर रोगग्रस्त वृक्षों को हटाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। विविधतापूर्ण वनों को एकतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कृषि और आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति को कृषि पर रोक लगानी चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए। बांधों और बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संसाधन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत की जाए। चिपको आंदोलन, शांत घाटी क्षेत्र आदि इसी जागरूकता के परिणाम हैं। वन संरक्षण में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देकर देना श्रेयस्कर होगा। वन संरक्षण के नियमों और कानूनों को कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। सामाजिक वानिकी में बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री में। देश भर में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक अक्रमित भूमि पर प्रतिवर्ष वनारोपण की आवश्यकता है ताकि परिस्थिति संतुलन को बनाया जा सके। सामाजिक वानिकी के साथ द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। इससे न केवल वन क्षेत्रों में वृद्धि होगी वरन बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी को अपनाने के सुझाव दिए हैं ताकि वनों के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी, गौण वनोत्पादक प्राप्त हो सके हैं। इसे लोगों का या लोगों के लिए या लोगों द्वारा कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक हैं, कृषि वानिकी, एग्रोफोरेस्ट्री। वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि के सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना और ग्रामीण द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। वन्य जीव संरक्षण के बारे में हम बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सामान्य अर्थ में वन्य जीव उन जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, जैसे हाथी, शेर, गैंडा, हिरण। किंतु व्यापक रूप से वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों और जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जलवायु, भूमि एवं जैव विविधता से संपन्न है। उल्लेखनीय है कि हमारे देश की भूमि का क्षेत्रफल संसार की भूमि के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जैव विविधता में से 8.1% जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। भारत में कुल मिलाकर के स्तनधारियों की 500 स्पीशीज पाई जाती हैं, पक्षियों की 1200 स्पीशीज पाई जाती हैं, सर्पों की 220 पाई जाती हैं, कछुओं की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर और घड़ियाल की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, उभयचरों की 142 प्रजातियां पाई जाती हैं, अलवणीय जल की मछलियों की 105 प्रजातियां पाई जाती हैं एवं अकशेरुकी जंतुओं की हजारों जातियां भारत में पाई जाती हैं। तो जैसे ये वन्य जीवों के उदाहरण हैं कुछ, जैसे मोर है, हाथी है, शेर है, गैंडा है। किंतु वर्तमान में मानव के द्वारा ऐसे कारण उत्पन्न कर दिए गए हैं जिससे वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। मानव के अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिससे वन्य जीव संकटग्रस्त हैं। वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं? प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट होने के अनेक कारण हैं। इसमें प्रकृति प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी। अन्य कारण हैं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता बढ़ती गई। मनुष्य ने आवास, कृषि और उद्योग हेतु वन भूमि का उपयोग किया जिससे जीवों के आवास पर संकट उत्पन्न हो गया। दूसरा है वृद्ध जल परियोजना जैसे कि भाखड़ा नांगल, टेहरी बांध, ब्यास परियोजना आदि से वन भूमि पानी में डूबती गई जिससे
वन्य जीवों के आवास में कमी होने लगी, जंगलों में खनन कार्य, वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न अम्लीय वर्षा आदि से प्राकृतिक आवास नष्ट हुए, समुद्रों में तेल टैंकरों से तेल का रिसाव समुद्री जीवों के आवास को नष्ट कर रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्रकृति के आसपास वातावरण गर्म होता जा रहा है जिससे जैव विविधता नष्ट हो रही है, वन्य जीवों का अवैध शिकार, प्रदूषण, मानव एवं वन्य जीवों में संघर्ष। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त वन्य जीवों के विनाश के जो कारण है उसमें प्राकृतिक, अनुवांशिक एवं मानव जनित कारण भी हैं। भारत में वन्य जीवन संरक्षण 1952 से 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन किया गया। IUCN के द्वारा विलुप्ति के कगार पर पहुंची जातियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये 1948 में ये IUCN स्टार्ट हुआ था। तो ये जो विलुप्त हो रही प्रजातियों का एक पुस्तक में संकलित किया गया है जिसे लाल आंकड़ा यानी रेड डेटा बुक कहा जाता है। IUCN में 5 जातियों की परिभाषित किया गया है जिसे संरक्षण प्रदान करना है। पहला तो है विलुप्त प्रजातियां, वे जातियां जो संसार में विलुप्त हो गई हैं अथवा जीवित नहीं हैं। विलुप्त जातियों की श्रेणी में रखी गई है जैसे कि डायनासोर है, राइनिया है, ये विलुप्त प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वे निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी, जैसे गैंडा है, गोडावन है, बब्बर शेर है, वगैरह है। ये गोडावन का फोटो है। फिर है संवेद जातियां, ये वे जातियां हैं जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं। तीसरी है दुर्लभ जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है और ये निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं। ये सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे कि हिमालयी भालू है, विशाल पांडा है, ये दुर्लभ जातियां हैं। अपर्याप्त ज्ञात जातियां, ये वे जातियां जो पृथ्वी पर हैं किंतु इनके विवरण के बारे में अधिक पता नहीं है, उन्हें कहते हैं अपर्याप्त ज्ञात जातियां। वन्य जीवन के संरक्षण की दृष्टि से कुछ सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, औरण प्रमुख हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। इसमें पालतू पशुओं की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इसमें प्राइवेट संस्था के द्वारा निजी कार्य के लिए प्रवेश निषेध होता है। राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। कुछ भाग राष्ट्रीय पार्क का पर्यावरण उद्योग को विकसित किया जा सकता है। इसका नियंत्रण, प्रबंधन एवं नीति निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन होता है। राष्ट्रीय पार्क का जैसे हमारा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है, असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में। तो ये 9 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। अब देखते हैं अभयारण्य। अभयारण्य सेंचुरी हम देखें, ये भी संरक्षित क्षेत्र है। इसमें वन्य जीवों के शिकार एवं मार्केट पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इसमें निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश की अनुमति दी जाती है जब उनके क्रियाकलाप रचनात्मक हो या इससे वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। भारत में स्थित कुछ अभयारण्य हैं जैसे कि नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में, हजारीबाग प्राणी विहार है बिहार में, नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात में है, मनाली अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रप्रभा प्राणी विहार है उत्तर प्रदेश में, केदारनाथ प्राणी विहार है उत्तरांचल में। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य और प्रमुख वन्य जीव हम देखें जैसे कि राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का, अलवर,
प्रमुख वन्य जीव है हिरण और घोड़ावन सरिस्का अलवर। जो वन्य जीव अभयारण्य है सरिस्का का अलवर के अंदर हिरण और घोड़ावन प्रमुख वन्य जीव है। यहाँ पर दर्रा अभयारण्य कोटा का, इसमें बघेरा पाया जाता है। माउंट आबू सिरोही का है, इसमें जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ताल छापर चूरू का है, इसमें काला हिरण पाया जाता है। जवाहर सागर कोटा का है, इसमें घड़ियाल पाया जाता है। सीता माता प्रतापगढ़ का है, इसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है। और केला देवी करौली का है, इसमें रीछ पाए जाते हैं। नाहरगढ़ जयपुर का है, इसमें तेंदुआ और सियार पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जीव मंडल निश्चय या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। जीव मंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब तक 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें भारत में 18 क्षेत्र हैं। भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया था। तो भारत के प्रमुख जैव मंडल निश्चय यानी बायोस्फीयर रिजर्व हम देखते हैं। पहला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ग्रेट निकोबार में है जैव मंडल। असम के अंदर काजीरंगा मानस है बायोस्फीयर रिजर्व। कर्नाटक केरल में नीलगिरी है। उत्तर प्रदेश में नंदा देवी। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। मध्य प्रदेश में कान्हा। और राजस्थान में थार रेगिस्तान, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल ही जीवन है, हमारी पृथ्वी की सतह का 70% भाग जलमग्न है। इस जल का 2.5% भाग ही मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। संपूर्ण जल का 97.5% भाग अलवणीय होने के कारण अनुपयोगी है। बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के असाधारण दोहन से आज मनुष्य के सामने कई समस्या उत्पन्न हुई हैं। इससे जल संकट का एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर प्रकट हुई है। इसका कारण जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अति दोहन, जल की आर्थिक मांग, मानसून की अनिश्चितता, पारंपरिक स्रोतों की अपेक्षा, जल अभाव की समस्या से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया है। भारत के लगभग सभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अतः जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन आज की सबसे बड़ी मांग है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना और संदूषित जल को स्वच्छ करने करके उसका पुनर्चक्रण करना। जल संरक्षण एवं प्रबंधन चक्रीय संसाधन है। यदि इसका युक्तियुक्त उपयोग किया जाए तो इसकी कमी नहीं होगी। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण एवं जल संरक्षण हेतु उपाय किए जाने चाहिए। जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करके उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण विधियों के द्वारा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। भूजल को अति दोहन नहीं किया जाना चाहिए। जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। जल को पुनर्चक्रित करके काम में लिया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण एवं जल को समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। सिंचाई फव्वारा विधि, टपकन विधि, बूंद विधि से भी की जानी चाहिए। इस दिशा में पहला कदम है समाकलित जल संवर प्रबंधन द्वारा जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन। दूसरा कदम है वर्षा जल संग्रहण। समाकलित जल संवर प्रबंधन, समाकलित जल संवर प्रबंधन क्या होता है? इंटीग्रेटेड वाटर सीड मैनेजमेंट। समाकलित जल संवर प्रबंधन, जल संवर प्रबंधन में किसी क्षेत्र विशेष की भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी तकनीकों का सम्मिलित। यहाँ जल एक बिंदु किया जा सकता है। जल संवर प्रबंधन समग्र विकास की सोच है। इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, सहयोग से किया जाता है या फिर संचालित किया जाता है।
भरण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां अधिकतर सूखा और अकाल की स्थिति बनी हुई रहती है, वर्षा जल संग्रहण प्राकृतिक आवश्यकता है या प्राथमिक आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही देश में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। ताल, तलैया, जोहड़, टाका, कुआं, वावड़ी इत्यादि के रूप में जल संग्रहण होता है। राजस्थान में जल संचयन की निम्न स्वदेशी पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे कि खड़ीन। खड़ीन मिट्टी का बना अस्थायी तालाब होता है, जिसे किसी ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। इसके दो तरफ मिट्टी की दीवार और तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर खड़ीन भर जाता है और पानी अगली खड़ीन में चला जाता है। जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो इसमें कृषि की जाती है। दूसरा है तालाब। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धतियों में तालाब प्रमुख है। ये पुरुषों और स्त्रियों के नहाने हेतु अलग अलग बने होते हैं। तालाबों की तलहटी पर कुआं बना होता है, जिसे बेरी कहते हैं। जल संचयन की यह प्राचीन विधि आज भी अपना महत्व रखती है। भूमि और जल स्तर बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण आधार है। फिर बात करते हैं हम झील। राजस्थान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलें वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पद्धति है। झीलों से रिसने वाला पानी इसके नीचे स्थित जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी और कुंड आदि का जल स्तर बढ़ाने में सहायक होता है। फिर एक जैसे कायराना झील है जोधपुर की, यहाँ पर फिर होता है बावड़ी। राजस्थान में बावड़ियों का अपना स्थान है। ये जल संचयन की पुरानी तकनीक है। बावड़ी में उतरने हेतु सीढ़ियों और तिहारे बने होते हैं। ये कलाकृति से संपन्न होती हैं। ये जैसे कि बावड़ी है, इस तरीके से बावड़ियों में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं। फिर है टोबा। थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का प्रमुख प्रारंभिक स्रोत है। यह नाड़ी के आकार का होता है, किंतु नाड़ी से यह गहरा होता है। टोबा तो ये रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का पारंपरिक स्रोत है। कोला और पेट्रोलियम का संरक्षण। कोला और पेट्रोलियम के संरक्षण में हम क्या करेंगे? जैसे कोला है, कोला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कोला अत्यंत महत्वपूर्ण है। 35 से 40% भाग कोले से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के कोले की कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। कोले से अन्य के कारण कालांतर में कोले का निर्माण हुआ। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी घने जंगल कच्छ क्षेत्र और जल धाराओं से तर थी। वनस्पति समूह की जल में गिरकर मृत्यु हो गई और बाद में मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए। भूगर्भ में उच्च ताप और दबाव के कारण ये जीव अब से इस कोले में परिवर्तित हो गए। कोले में मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिक होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक भी होते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरस और कुछ अकार्बनिक द्रव्य भी पाया जाता है। नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोले को है एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिखने की ए बी एल पी एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन होता है 94 से 98%, बिटुमिन्स में 78 से 86%, लिग्नाइट में 20 से 30% और पीट में 27%। हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोल तार, कोल गैस, एमोनिया प्राप्त में होती है। इस प्रक्रिया को कोले का भंजक आसवन कहते हैं। भारत में कोला मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल यहाँ पर पाया जाता है, और 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यहाँ पर जरूरत होती है इसका वजन करने के लिए। आंध्र प्रदेश में भारत में कोला पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें हम,
पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसमें बहुत अधिक होता है। कोयले की भांति पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण भी कोयले की तरह ही वनस्पति और जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने और कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब और ताप के आपतन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम के अप्रसंस्कृत तेल, कच्चा तेल और चट्टानों का तेल भी कहा जाता है। ये काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसमें विभिन्न अवयव होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम तेल में कौन कौन से अवयव होते हैं। इनमें विभिन्न जो अवयव होते हैं उन्हें हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक इत्यादि प्राप्त होते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो कि प्रकृति के अनवीकरणीय संसाधन है। इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। अगर मानव इसी तरह अनाधुंध इसका प्रयोग करता रहा तो भविष्य में ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि वायु, प्रकाश, जल आदि का विकल्प के रूप में अधिक प्रयोग होना चाहिए जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है। प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के समतुल्य ईंधन है। यह 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तन किए ये चला जा सकता है। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह विषैला नहीं है और ये जैव निम्नकरणीय है। बायोडीजल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दूसरे जीवाश्म ईंधनों की भांति पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन राजस्थान सरकार ने किया है। सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना चाहिए ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सके बल्कि जिसका प्रयोग आने वाली समय की पीढ़ियां भी उसके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन की भागीदारी के बारे में बात कर रहे हैं हम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वच्छ पर्यावरण की किसी भी समाज की अत्यंत आवश्यकता होती है। स्वच्छ पर्यावरण के साथ मानव जीवन एवं स्वस्थ जुड़ा हुआ है। आज विकास और विनाश का कारण विकास है हमारा विनाश का कारण बन गया है जिससे पर्यावरण के सभी घटकों को भारी हानि पहुंची है। यद्यपि जल, वायु, भूमि सभी प्रदूषित हो चुके हैं फिर भी मानव को असहमित और अविवेकशील विकास यात्रा सतत जारी है। उच्चतर मानव विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य समाप्त हो गया है। पर्यावरणविद निरंतर सचेत कर रहे हैं कि इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता रहा तो पर्यावरण एवं परिस्थितिकी में संतुलन को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। इन सबके उपरांत भी कुछ इस प्रकार के सफल प्रयोग एवं जन आंदोलन चले हैं जो पर्यावरण और परिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों को ठेकेदारों से सुरक्षा करना और वृक्षों को काटने से रोकना। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुई और यहाँ पर अमृतदा देवी ने 323 बिश्नोई स्त्री पुरुष एवं एक बार अपने बच्चे का यहाँ पर बलिदान दे दिया। अमृता देवी का चिपका आंदोलन 1730 में एडी में जोधपुर 1730 के आसपास हम देखें जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के महल निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता हुई तो उसने सेवकों के कुल्हाड़ी देकर खेड़ी गांव पहुंच काटना शुरू कर दिया जिसकी आवाज सुनकर अमृता देवी और उनके तीन पुत्रिया वहां आ गई और विनम्रता से सिपाहियों को पेड़ न काटने का आग्रह किया परंतु सिपाही नहीं माने तब अमृता देवी और उनके पुत्री पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया। सारे गांव के और आसपास के इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। लोग आ आकर पेड़ों से चिपकते रहे और अपना बलिदान देते रहे। इस प्रकार वृक्षों की रक्षा हेतु 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया।
आज भी बिश्नोई समाज पेड़ पौधे एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु दृढ़ संकल्पी है। खेजड़ली के बलिदान के बाद 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा हेतु चिपको आंदोलन चलाया और यह आंदोलन 8 वर्षों तक चला, जिससे सरकार ने 1981 में 1,000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। खेजड़ली बलिदान के बाद चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी चला, जिसका नाम एपिको था। एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिपकना। खेजड़ली का बलिदान आज वनों की सुरक्षा के लिए आदर्श है। खेजड़ी के वृक्ष आज भी बलिदान की याद दिलाते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष से माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरिया है। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो 1983 में खेजड़ी को यहाँ पर राजस्थान का राज्य वृक्ष है, यहाँ पर घोषित किया गया। अब हम यहाँ पर जैसे कुछ वो हम देख लेते हैं। तो खेजड़ी के बलिदान से संबंधित कौन है? यहाँ पर अमृता देवी है। भूसंकट के कारण क्या है? जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अति दोहन और जल की अधिक मांग, ये सभी भूसंकट के कारण है। की पुस्तक है, ये किससे संबंधित है? लाल आंकड़ों की पुस्तक हमारी संकटग्रस्त और सर्वाधिक साइट में पहले नंबर पर है। एंथ्रेसाइट के बाद में आता है बिटुमिन्स, यानी कि AVLP, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स। तो बिटुमिन्स 2 नंबर पे आता है और लिग्नाइट 3 नंबर पे। बिटुमिन्स 2 नंबर पर, लिग्नाइट 3 नंबर पर, पीट है 4 नंबर पर आता है। इसमें 27% के आसपास कार्बन पाया जाता है, इसमें 94 से 98 के आसपास कार्बन पाया जाता है। बिटुमिन्स में पाया जाता है कार्बन 70 के आसपास परसेंट पाया जाता है और लिग्नाइट में 30 के आसपास पाया जाता है।